ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। हमारे साथ मौजूद हैं विदित, वैशाली और प्रज्ञानंदा, और हम इन तीनों से बात करेंगे कि किस तरह से चेस में चैंपियंस बनकर हम वापस आए हैं घर पर। तो सबसे पहले तो चैंपियंस को बहुत बहुत बधाई। विदित, आप ही से शुरुआत करते हुए, विश्वनाथन आनंद के बाद उसके बाद बहुत लंबा एक गैप रहा, लेकिन अब हमको लग रहा है कि एक पूरी फौज खड़ी हो रही है। मतलब हम जितना इंतज़ार कर रहे थे उस इंतज़ार का बहुत अच्छा मीठा फल हमको मिल रहा है। हाँ ज़रूर, क्योंकि थोड़े साल पहले मुझे लोग पूछते थे कि इंडिया का टाइम आ गया है क्या, इज़ इंडिया द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी वो आंसर हो गया क्योंकि हमने दो गोल्ड जीते मेन एंड वुमेन में, एंड दैट टू एक इंडिविजुअल कैटेगरीज में भी इस बार हम लोगों ने। एग्जैक्टली, तो अभी वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इंडिया इज द फ्यूचर बोलते थे, बट द फ्यूचर इज नाउ, ऐसा हो गया। नाउ इट इज प्रेजेंट, इंडिया का प्रेजेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मेरा अगला सवाल प्रज्ञानंदा से है। प्रग, अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था, द इंटरव्यू वाज अबाउट टू स्टार्ट एंड विदित वाज पुलिंग योर लेग, टेल अस मोर अबाउट इट। दिस इज हाउ यू गाइस यू नो स्पेंड टाइम टुगेदर, एंड आल्सो विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस दे हैड, दैट मेसी सेलिब्रेशन। इफ वी कैन हैव दैट सेलिब्रेशन, दैट मेसी सेलिब्रेशन ओवर हियर, आप दोनों का। बट यू कैन हैव इट विद विशाली आल्सो। There is no trouble. You can take this mic also. Okay, one more thing. Tell us. This is a question for all three of you, Pragnananda, Vaishali, and Vidit. आपके लिए भी ये सवाल है कि जीत के बाद, after the win, किस तरह के celebrations थी? किस तरह से? How did you guys celebrate? First of all, we had a very good team camaraderie. From the start, we were. During team meetings, we were having a lot of fun, and apart from that also, we were having a lot of fun in dinners and in the group chats, and yeah, I was totally enjoying this event with the team. And chess is an individual sport, so we don't get to play as a team often, and Chess Olympiad is one of the tournaments, one of the like only tournaments which you get to play for the country and with other team members, so it's a very special event, and I truly enjoyed this experience, and I think the whole team was having a lot of fun. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुझे इतना प्राउड इसलिए फील हो रहा है दैट वी हैव अ फीमेल चैंपियन आल्सो। आपने जो बोला ना कि हम अब प्रेजेंट में आ गए हैं, वो फ्यूचर की बात, और उससे भी बड़ी बात जो हमें मिला है, गोल्ड भी मिला है, और वैशाली हमारे साथ हैं। वैशाली, कितनी टफ रही जर्नी? इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द gold medal winning team. It's a historical medal for both open and women's section. In the previous Olympiad we were close to winning gold in both, like we won. Have you ever met Vishwanathan Anand? Yes, I got medal from him also in the Olympiad, and I'm also part of West Bridge Aranches. Unhone aapko kya tips di? No, I'm also part of West Bridge Aranches Academy, like where I get to, I mean he's a, like a mentor where I get to discuss about the game. It's a great opportunity for me to learn from him. I'm having good time. अच्छा, मेरे को ये पता चला है कि प्रज्ञा ने आपको देख के चेस खेलना सीखा। Yes, yeah, it's true. She started playing chess. So she's your mentor. Yes. When I'm next time. You have to go home. Yeah, I know, but still, I want to be truthful in interviews, you know. I know, but we do discuss chess a lot. ये sibling rivalry तो नहीं चल रही? No, there is no rivalry. We don't get sure? to play. Sure? Yeah, sure. We don't get to play each other, so it's more that we learn from each other than rivalry. Is she your competitor? No. No. Is he your competitor? Not really. ओके, माय क्वेश्चन विदित, आपसे सवाल है, जैसे कि इन्होंने सर विश्वनाथन आनंद के बारे में बात की, क्या ग्रोइंग अप ईयर्स में आप भी विशी को फॉलो करते थे, या आपके कोई और आइडल थे? गैरी कास्परोव कोई था जिसको आप फॉलो करते थे? हाँ, मैं गैरी कास्परोव का बहुत फ़ैन था क्योंकि वो 15 साल वर्ल्ड चैम्पियन थे। बट मैं एक टूर्नामेंट मुझे याद है जब मैं 8 साल का था, जिसका प्राइज ये था कि मैं वर्ल्ड कप देखने जा सकता हूँ। तो मैं वो टूर्नामेंट जीत के 2000 मैं 8 साल का था, आई थिंक 2002 में
हैदराबाद गया था जब आनंद वॉज प्लेइंग द फाइनल्स और मैं उनको पहली बार मिला, तो मेरे पास अभी भी वो फोटो है जब मैं उनका ऑटोग्राफ ले रहा हूँ एंड नाउ अभी उनसे मेडल मिला है, सो दैट्स अ गुड ट्रांजिशन। मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर नवजोत, कि आप देख सकते हैं कि प्रग थोड़े सीरियस रहते हैं और यहाँ पर जो है मस्ती करने वाले विदित नजर आ रहे हैं, लेग पुलिंग करते हैं। चलो प्रग वाकई सीरियस है कि नहीं? प्रग इज सीरियस, अ बिट सीरियस। मुझे लगा कि हमसे देख के, हमें देख के डर गए। तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है टीम में, और जिस तरह से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें हरी ने आपसे कुछ बात की और आप बहुत हंस रहे हैं, क्या था वो वीडियो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Sorry, I didn't get this. So basically, there is a video that is going viral all across the social media, wherein Hari is talking to you and you are laughing out your heart. What is that video all about? I've been asking the same question to him. What was it about? Closing, yeah. Yeah, I don't remember exactly. Yeah, we were having a lot of fun in closing, and we were jumping from topics to topics, and. Yeah, so I don't remember what we were discussing. Remember, याद ही नहीं है कुछ भी। Okay, so वैशाली आपसे देखिए, आज की डेट में हम अगर देखें हॉकी, क्रिकेट, इनफैक्ट ऑल द ओलंपिक्स जिसमें इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं उसमें महिलाएं बहुत आगे, वुमेन पावर नज़र आ रही है, और अब वो चेस वाली जो कमी थी वो आपने पूरी कर दी है। माई क्वेश्चन इज एवरीवेयर, लाइक इन क्रिकेट, इन हॉकी, इनफैक्ट इन ओलंपिक्स ऑल्सो इंडिविजुअल इवेंट, सब जगह पे वुमेन सबसे आगे हैं, मेडल्स लेके आ रही हैं, एक मेडल आपकी तरफ से भी है। नाउ इट्स वुमेन एम्पावरमेंट इन गेम्स, इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। या आई एम वेरी हैप्पी इन जनरल इन ऑल द स्पोर्ट्स, लाइक वुमेन आर ऑल्सो लाइक गेटिंग लॉट ऑफ मेडल्स एंड सो ऑन, लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मैनेज टू विन गोल्ड दिस टाइम अलॉन्ग विद ओपन। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आई मीन आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई रेटिंग टू get up to the higher ranks, that's okay. My thing. आपके future plans क्या? collection बनाना है gold medal का। अच्छा एक चीज मैं जरा अपने दर्शकों को बताती हूँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जब हम लोग अभी इंटरव्यू हमने स्टार्ट नहीं किया था, वैशाली से मेरी बात हो रही थी, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करना है हमें, फोकस करना है स्पोर्ट्स पे। ये जो चीज़ है ये आपको बहुत आगे तक ले जाती है। देखिए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यही चीज़ है कि पहले एक वक्त था जब हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते थे, दैट वी हैव टू गो टू द स्कूल एवरी डे, रोज़ जाना है स्कूल जाना है, बट अब क्या है, वी वर डिस्कसिंग ना स्पोर्ट्स पीरियड, कैसे स्पोर्ट्स का पीरियड है और उसको स्किप कर दो, आपको कोई टीचर, अकेडमिक टीचर आके आपका पीरियड ले लेते। पीटी पीरियड, या दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी, बट आई थिंक नाउ स्पोर्ट्स इट हैज बिकम like much more popular, just not like to name one specific sport, in general like I think all the students are interested in sport, like to follow and to play, and it's just good time for India. It's a good time, it's, yeah. It's not good, it's a best time, best for time India. Best time, yeah. या द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीनों से मैं पूछने वाली थी कि व्हेन विशि आनंद वाज प्लेइंग चेस ही इंस्पायर अ लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, सो आप एक एक करके जवाब दे सकते हैं, डू यू गाइज थिंक आफ्टर दिस यू विल इंस्पायर कमिंग जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, डू यू थिंक पीपल विल बी इंस्पायर टू टेक अप चेस? Yeah, I think Prag is confused क्योंकि he's just 19 if I'm not wrong and already he's inspiring people. ये future plan वाला सवाल पहले Prag से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम ये सवाल पूछते हैं। आप बताइए, you tell Prag, what is your answer? No, just to, I mean, in chess, yeah, just to improve my game and get my rankings high. Yeah, I don't really have like a. He's a bit confused. कि मेडल इकट्ठा करूं, गेम इंप्रूव करूं. No, I don't really have like a long plan. Just keep going with chess and. I think Prag की quality कि वो game जब हारता भी है कभी, rarely होता है, but जब भी हारता है he moves on very quickly. So he's always living in the moment kind of a person. So इसलिए वो ज़्यादा सोच रहा नहीं है future का, taking as it goes and that works for him. I think that's one of his good qualities when it comes to competition. What is Vaishali's plus point? I think she's very hard working. मुझे याद है last year हम इस्तानबुल एयरपोर्ट में थे, हम साथ में एक टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे एंड शी वॉज नॉट अ ग्रैंड मास्टर देन, तो शी वॉज आस्किंग मी कि यू नो वॉट शुड आई डू टू बिकम वन, कि मेरी ये प्रॉब्लम है या ऐसा हो रहा है, तो हमने बात की एंड शी वर्कड ऑन इट एंड आई थिंक इन फ्यू मंथ्स यू बिकम अ ग्रैंड मास्टर, सो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। वन स्ट्रेंथ वन वीक ऑफ माई सेल्फ, यस, आई मीन ओके टू कंपेयर इट विद प्रग, लाइक आई मीन ही हैंडल्स लॉसेस लाइक वेरी वेल, I mean, he gets over quickly and everything, he just takes everything lightly. I'm just completely opposite to it. Probably that is something
I think it's weakness. Strong point, I don't really know. Maybe Prag बता पाएंगे. Prag, you will be able to answer कि what is the strong point, Vaishali's strong point. Don't take a pause. Answer quick. And don't get confused. No, she's also. In terms of chess, she's very aggressive and just wants to kill her opponent, whoever it is. I mean, on the board. but yeah, off the board, she tries to be, you know, keep everything perfect, which is completely opposite of. Is she a better sister or better chess player? Better chess player. Oh, what do you have to say? I don't know if it's a compliment or. Yeah, I think I'll discuss with you privately. बाद में घर जाके बताऊंगी तुमको. घर जाके बताऊंगी. अब ये सारी बातें जो हैं वो घर जाके होंगी. जी बिल्कुल. चलिए यहाँ पे दो तीन सवाल फटाफट आपसे पूछ लेते हैं. विदित, आपने कितना हिंदी सिखा दिया है प्रग को और वैशाली को, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपने बोला था यार हिंदी कितना आता है, तो कितना सिखाया है आपने? आप कितने अच्छे टीचर हैं हिंदी के, ये बता दीजिए. अभी तो हिंदी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, बट एक गाना उनको सिखाया, क्योंकि आपने जो एक सवाल पूछा था कि कैसे सेलिब्रेट किया. हाँ. तो हमने टूर्नामेंट के पहले एक मीटिंग हुई थी, तो हमने डिसाइड किया था अगर हम जीते तो वी आर द चैंपियंस जो सॉन्ग है क्वीन का वो हम गाएंगे. चलिए तो एक बार फिर. नहीं वो तो वीडियो आएगा अभी, तो वेट करो, आप फॉलो करो हमें सोशल मीडिया पे, आ जाएगा. यहां पे एक लाइन हम लोग हम क्लोजिंग करें उससे पहले एक लाइन, वी आर द चैंपियंस. I think we can just say 1, 2, 3 and then again. Okay. 1, 2, 3. We are the we champions. We are the champions. what is this? I thought you were doing anything. Actually, he's actually a prankster, pata hai. So, hum jab medals pe ja rahe the, तो जब इंडिविजुअल मेडल था गुकेश और अर्जुन का, तो हम सब ने डिसाइड किया था वी विल स्टैंड अप एंड क्लैप. एंड ये मुझे सीक्रेटली बोलता है, सब चिल्लाएंगे अपन चुप रहते तो ऑकवर्ड हो जाएगा. तो इज लाइक ही इज अ प्रैंकस्टर, ही इज वेरी सीक्रेटिव प्रैंकस्टर. तो वो सीरियस दिखते हैं, सीरियस है नहीं? नहीं नहीं, चेस के लिए सीरियस होने की जरूरत है या नहीं? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन एंड जब काम करना है तब वो सीरियसनेस जरूरी है, बट अदरवाइज थोड़ा लाइट हार्टेड रहना हेल्प्स स्ट्रेस के लिए. तो एक बार वी आर द चैंपियंस सीरियसली. अच्छे वाला, बढ़िया वाला. No, you have to watch the. Yeah, you have to watch the video. It'll come on social media. Follow our social media. Yes, it'll come soon. All are following you. Yeah, we all are following. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, हम चाहेंगे कि आपकी तो पूरी वॉल भर जाए जल्दी से, और बहुत सारे गोल्ड आप हमारे लिए लेकर आए ओलंपिक्स में भी आगे भी. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स. अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ.